अगर आपको प्रेगनेंसी ठहरती है प्रेगनेंसी ठहरने के बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं जो कि ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे बताया हुआ है उन लक्षणों को मिलने के बावजूद भी अगर आपको पीरियड आ जाता है इसका मतलब होता है कि आपका सही टाइम पे इम्प्लांटेशन नहीं होता है आपने कुछ ऐसी गलतियां कर रखी होती हैं जिसकी वजह से इम्प्लान्टशन आपका फेल हो जाता है और आपको पीरियड आ जाते हैं तो आज मैं आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताऊँगी जो कि जाने अनजाने आपसे हो रही हैं या कर रहे हैं उसको आप ये स्ट्रिक्टली अवॉइड कर दीजिए ताकि आपका प्लांटेशन अच्छे से हो जाए एंडोमेट्रियम की वॉल पे आपका जो जाइगॉट है जो फर्टिलाइज एग है वो अच्छी तरह से चिपक जाए उसके बाद से ये प्रेगनेंसी आपकी कंफर्म हो जाए कंसीव हो जाए तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्वेंस माई वर्ल्ड केयर पर स्वागत है तो जैसे मैंने गलतियों के ऊपर कुछ बातें की तो इम्प्लान्टशन के दौरान यानी अगर इम्प्लान्टशन की टाइमिंग के ऊपर बात की जाए तो ऑवल्यूशन की टाइमिंग आपको पता है कि क्या होती है आपकी पूरे मिस्ट्रेशन साइकिल के मिड में आपको कुछ ऐसे दिन होते हैं जिस समय आपके शरीर से एक मेच्योर एग रिलीज होता है एग जब रिलीज होता है उस टाइम को ओवल्यूशन के टाइम से जाना जाता है ओवल्यूशन डे के नाम से वो जाना जाता है लेकिन वहीं पर एक हफ्ते बाद जब इम्प्लांटेशन का जो टाइम होता है वो उसका एक हफ़्ते के बाद से शुरू होता है यानी कि जब एग फर्टिलाइज़ होता है फर्टिलाइज़ होने के बाद एंडोमेट्रियम की वॉल पे जब आपका जेगॉट चिपकने के लिए जाता है उस ड्यूरेशन में कम से कम एक हफ्ते का वक्त लग जाता है अगर नट सेल की बात की जाए तो जिस दिन आपका पीरियड आता है उस दिन से लेके बीसवें दिन यानी कि जिस समय आपका ओवल्यूशन का टाइम हो जाता है आपका फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है इक्कीसवें दिन के बाद से इम्प्लांटेशन का काम शुरू होता है जहां पर जो नन्हा सा जयगॉट है वो चिपकने के लिए यूट्रस की वॉल पे जाता है उस समय आपको कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो कि अवॉइड नहीं करनी चाहिए वो पहले गलती होती है आपके फूड से रिलेटेड जो भी चीज़ें खाते हैं उसका पूरा का पूरा असर आपके शरीर में दिखाई देता है चाहे आप प्रेग्नेंट हो या नॉन प्रेग्नेंट हो जिस भी आप तबके के हो यंग हो वृद्ध हो जैसे भोजन अगर आप लेंगे वही चीज़ें आपके शरीर में दिखाई देंगी तो इम्प्लान्टशन के टाइम पे अगर आप गर्म तासीर वाली चीज़ें लेते हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्म मसाले इस्तेमाल करते हैं मसालेदार युक्त भोजन करते हैं या कुछ ऐसी गर्म चीज़ें को इस्तेमाल करते हैं जैसे रेड मीट हुआ अंडे हुए मछली हुई या फिर जो भी अगर जिस भी चीज़ की तासीर अगर गर्म है उसका इस्तेमाल अगर अपने फूड में आप करते हैं उससे भी आपको कही न कहीं ना कहीं इम्प्लांटेशन फेल होने की शिकायत देखी जाती है दूसरी बहुत बड़ी चीज़ होती है कि रेगुलर एक्सरसाइज करना अपने दिनचर्या में शामिल करना एक अच्छी बात होती है लेकिन इम्प्लांटेशन के टाइम पे यानी कि आपके 20वें 21वें -20 दिन के बाद से आपको जिम जाना या फिर रेगुलर विगरस एक्सरसाइज करना अवॉइड किया जाता है उस समय आपको बिल्कुल भी आपको विगरस एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए विग्रेस एक्सरसाइजेस करते हैं उससे भी इम्प्लांटेशन फेल होने का खतरा बना होता है कई बार लेडीज़ को समझ में नहीं आता है तो आप सिंपली आप जैसे वॉकिंग अगर आप करते हैं तो नॉर्मल वॉकिंग करिए लेकिन ब्रिस्क वॉकिंग को या फिर जो सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना काफ़ी तेज़ी से स्पीड में उन सारे एक्टिविटीज़ को आपको बंद कर देना चाहिए फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि कभी भी आपको जब भी कुछ सर्दी जुकाम चलती है या फिर जो अभी का मौसम चल रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लू होने के चांसेस बनते हैं थोड़ी थोड़ी देर पे आपको कभी सर्दी हो जाती है कभी जुकाम हो जाता है खांसी हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल सी मेडिसिन उठा के खा लेते हैं लेकिन कुछ ऐसे मेडिकेशन होते हैं जिसका दुष्प्रभाव आपके शरीर में दिखाई देता है और मेडिकेशन में भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है और उसकी वजह से भी आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है तो ये सारी गलतियों को आपको अवॉइड करना है और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर बात करेंगे कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है कई बार जाने अनजाने हम लोग इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि प्रेगनेंसी होगी या प्रेगनेंसी नहीं होगी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो ऐसे केस में स्ट्रेस भी कही कहीं ना कहीं आपके इम्प्लांटेशन को फेल करने के लिए बहुत ज़्यादा देखा जाता है एक कारण देखा जाता है तो आपको स्ट्रिक्टली स्ट्रेस को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि जब भी अगर आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपके शरीर में जो हार्मोन की जो लेवल होते हैं वो तेजी से अप्स एंड डाउन्स उसके होते रहते हैं हार्मोन में अगर तेज़ी से बदलाव होगा तो वो आपके इम्प्लान्टशन में काफ़ी ज़्यादा हैम्पर क्रिएट करेगा और आपके इम्प्लान्टशन को रोक देगा और आपका पीरियड आ जाएगा बल्कि प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी तो आपको इन सारी गलतियों को नहीं दोहराना है लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि इम्प्लान्टेशन के बाद आपको कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं जिससे कि एक कन्फर्मेशन पता चल जाए कि प्रेग्नेंसी इस बार रुकने ही वाली है तो आपको इस वीडियो को क्लिक करके ज़रूर देखना चाहिए जिसमें आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी और अगर प्रेग्नेंसी कन्फर्म हो जाती है तो आप के शरीर में कौन कौन से ऐसे बदलाव होते हैं जो कि वेरी अर्ली साइंस ऑफ प्रेगनेंसी की अगर बात की जाए तो आपको इस वीडियो को क्लिक करके जरूर देखना चाहिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड